हेलो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे टवेरा पम्प के बारे में। इसको कैसे टेस्टिंग किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। इसको ओआर हाई में कितना इसका सेटिंग रखेंगे उसके बारे में बताएंगे। चलिए अब हम इसको मशीन पे टेस्ट करके दिखाएंगे ये पम्प कैसे रोटेट करता है इसके बारे में बताएंगे। इसका पार्ट नंबर F002D10007 इसका पार्ट नंबर है। ये पम्प जो है लेफ्ट साइड रोटेट करता है। ये पंप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। चलिए, मैंने मशीन पर इसको लगा लिया है। यहाँ से इसका ये प्रेशर बल्ब है, यहाँ से इसमें प्रेशर बढ़ता है इसका। ये प्रेशर बल्ब है और यहाँ से ये एक्सीलेटर ये इसका काम करता है। ये मैंने रिटर्न बल्ब इसका लगाया हुआ है। ये रिटर्न बल्ब है, ये ओवरफ्लो पाइप लगाया हुआ है मैंने। ये ओवरफ्लो पाइप है और ये ट्रांसफर प्रेशर है जो पंप का हैंड पंप का प्रेशर शो करेगा वहाँ पे। ये पंप जो है रिवर्स मशीन को हम रिवर्स साइड में चलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ये पंप रोटेट करेगा। चलिए, मैंने मशीन को स्टार्ट कर लिया है। मशीन को मैंने स्टार्ट कर लिया है। आपको फुल लोड पर ले जाकर आपको दिखाएंगे इसका हाई लोड में कितना ऑयल जाएगा। ये देखिए 100 RPM पे 2 kg वैन पंप प्रेशर है। अब हम इसको फुल लोड में रीडिंग लेकर दिखा रहे हैं। 900 RPM में इसका हम रीडिंग लेकर दिखाएंगे। 8.5 kg इसका मैंने पंप का प्रेशर रखा है। ये ऑयल आया है 10 cc, 10 cc का ऑयल आया है 900 RPM में। अब हम इसको 500 RPM में पंप का कटअप चेक करेंगे, जो गॉन्डल शाफ्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है सही से, इसको हम चेक करके दिखाएंगे। एक्सीलेटर लेकर छोड़ने से ऑयल कटअप हो जाना चाहिए। एक्सीलेटर लेकर छोड़ने से ऑयल फट से कट हो जाना चाहिए। और जो इसका वैन पंप प्रेशर 6 kg है 500 RPM में। ये एक्सीलेटर लगा, हम इसको छोड़ रहे हैं। ये देखिए ये ऑयल कट हो रहा है और ये मेरा 500 RPM पे 6 kg प्रेशर होना चाहिए। 5 से 6 kg एक्सीलेटर लेने से 3.5 के ऊपर होना चाहिए प्रेशर। अगर 3.5 से नीचे हो रहा है तो यानी मेरा पंप का बॉडी जो है वो वीक है। ये बहुत ध्यान से चेक करना होता है। ये आइडल ऑयल सेटिंग करेंगे, यहाँ से आइडल पोजिशन में इसका ऑयल सेटिंग करेंगे। यहाँ से होता है 375 RPM पे इसका हम ऑयल सेटिंग कर रहे हैं आइडल पोजीशन में। 2 cc हम इसका ऑयल रखेंगे आइडल पोजीशन में। इसका हम रेटिंग ले रहे हैं, ये इसका हम रेटिंग ले रहे हैं 2 cc। चलिए अब हम इसको स्टार्टिंग ऑयल इसका चेक करके दिखाएंगे। 100 RPM में इसका स्टार्टिंग ऑयल लेकर आपको चेक करके दिखाएंगे। देखिए 100 RPM में इसका 2 kg वैन पंप प्रेशर है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर कोई कुछ बारे में आपको पूछना हो तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर कोई कमी रह गया तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। ये हम इसका 100 RPM में इसका ऑयल ले रहे हैं। ये इसका 100 RPM में 14 cc का ऑयल आया है, यानी ये मेरा रोटर ओके है, पंप ओके है। थैंक यू सो मच। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।